चलिए अब हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे जिन्हें हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं देखिए हमारी बॉडी को तो बाहर से प्रोटेक्शन और अंदर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है बाहर प्रोटेक्शन किससे मिला है ये जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है जो हमारी स्किन है वो हमें बाहर से प्रोटेक्शन दे रही है और अंदर प्रोटेक्शन किस चीज़ से मिला है तो आपको पता है बेटा हमारे पास बोन्स हैं कार्टिलेज हैं जिनकी मदद से हमारी बॉडी इंटरनली भी एक शेप गेन करके रखे हुए और हम स्ट्रॉन्ग दिखते हैं हम सब हमारी बॉडी को एक सपोर्ट मिला हुआ है राइट लेकिन सेल को सपोर्ट कैसे मिले ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सेल को भी तो मजबूत रहने की रिजिड रहने की ज़रूरत है तो सेल के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन तो साइटोस्केलेटन सेल को अंदर से मजबूती देता है ताकि हमारा सेल जब मूव कर रहा है या शेप चेंज कर रहा है तब उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो तब उसका नॉर्मल शेप नॉर्मल साइज मेंटेन रहे इसीलिए हमारे सेल के पास साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है राइट ये साइटोस्केलेटन तीन टाइप से है अलग अलग फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर हैं और इन्हें हम माइक्रोटिब्यूल फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करने वाले हैं तो अगर किसी भी सेल के अंदर आप साइटोस्केलेटन देखेंगे तो साइटोस्केलेटन आपको तीन तरीकों से दिखाई देगा एक होता है माइक्रो दूसरा है माइक्रोफिलास और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलाेंट्स आई राइट इट इन अ डिफरेंट वे इंटरमीडिएट फिलाामेंट दोनों के बीच में प्रजेंट होते हैं तो लेटस राइट इट सेपरेटली साइटोस्केलेटन में वी हैव माइक्रो टिब्यूल माइक्रो फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलाेंट्स इस तरीके से ऑब्वियसली इन फिलामेंट्स का साइज़ शेप या यूं कहें तो डायमीटर जो है वो वैरी करता है अलग अलग है ये प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स हैं और प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स होने के कारण इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर भी है मतलब इनमें से कुछ जो हैं बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कुछ जो हैं बहुत ईजिली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते कौन कैसा है वो हम बताएंगे डिस्कस करेंगे सपोज ये माइक्रोटिब्यूल है तो माइक्रोटिब्यूल ऐसा है जिसका डायमीटर लगभग 25 नैनोमीटर है है थोड़ा सा बड़ा है अगर मैं की बात करूं, तो ये लगभग नैनोमीटर तक का है इसका जो डायमीटर है इट इज एट टू टेन नैनोमीटर वेट इसका डायमीटर लिखेंगे बच्चों फाइव टू एट इसको थोड़ा छोटा करिए क्योंकि हम इंटरमीडिएट नहीं पढ़ रहे फाइव टू एट नैनोमीटर ये सबसे छोटा डायमीटर है सबसे कम डायमीटर है लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो बीच के फिलामेंट हैं उनका डायमीटर लगभग टेन नैनोमीटर होता है तो ये तीनों अलग अलग टाइप के फिलामेंट्स हैं आपके पास माइक्रो टिब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट तीनों अलग अलग टाइप के फिलामेंट्स की लोकेशन अलग अलग है बेटा और इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। कुछ फिलामेंट्स जो हैं जैसे माइक्रोट्रिब्यूल जो है इट इज प्रेजेंट इन यू प्लस प्रो लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट है दे आर प्रेजेंट इन यू कैरिया ओनली एंड इट इज कम्पलीटली एबसेंट इन प्रो तो इस तरीके से इनकी अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे न्यूक्लियस में होते हैं क्योंकि प्रो के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता तो उनके अंदर भी ये होने का प्रश्न नहीं उठता है सो so, देखिए ज़रा ये साइटोस्केलेटन में हाँ, हमारे अगर मेजरली मैं फंक्शन की बात करूँ तो इनका मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है मोटैलिटी है मोटिलिटी है एंड सो so सॉरी मैकेनिकल सपोर्ट है मोटिलिटी है चलने फिरने में मदद करते हैं और देखिए लोकेशन किस तरीके से होती है ये सपोज सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है विच इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये अंदर की तरफ की मेम्ब्रेन है दैट इज़ अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके बीच में आपके बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स आएंगे और यहाँ माइक्रो टिब्यूल्स ये देखिए ये बड़े बड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम माइक्रो टिब्यूल्स बोल रहे हैं वो ये प्रेजेंट है ये माइक्रो माइक्रोटिब्यूलूल है मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ मतलब येलो कलर से उसे शेड कर रही हूँ ताकि ये विजुअलाइज हो सके आपको ब्लू कलर के जो हैं दे आर माइक्रो माइक्रोटिब्यूल्स बीच में छोटे छोटे से फिलाम्स हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट्स देखिए किस तरीके से प्रेजेंट है ये माइक्रो फिलामेंट्स की पोजीशन है दीज आर माइक्रो फिलामेंट्स विच आर लोकेटेड हीयर ये माइक्रो फिलामेंट्स तो अगर हम एक रफली बात करें तो सपोज ये मेरा एक सेल है तो इस सेल के अंदर यहाँ पे कुछ फिलाेंट्स होंगे यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स होंगे जो कि सेल की मेम्रेन से कनेक्टेड है और यहाँ पर कुछ फिलाेंट्स होंगे अब जरा आप खुद अंदाज़ा लगा के देखिए कि कौन सा फिलाेंट आपको कौन सी जगह पर दिखाई देगा माइक्रो फिलामेंट्स कहाँ होने चाहिए माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहाँ होना चाहिए ये खुद आप सोच के देखें कि इनमें से किसकी लोकेशन क्या होगी तो फॉर सपोज अगर मैं मेम्ब्रेन के पास में बात करूँ तो मेम्ब्रेन के पास में क्या है एक्सटेंशंस में क्या है और बीच में क्या है तो अगर डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे हो तो बीच में आपको माइक्रो ट्यूब्यूल दिख रहा है राइट right? सेंटर में हमें क्या दिख रहा है माइक्रो ट्यूब्यूल तो हम इसे माइक्रो ट्यूब्यूल लेबल कर सकते हैं अब बात रह गई इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की और माइक्रो सॉरी इंटरमीडिएट और माइक्रो फिलामेंट्स की ये वाले जो फिलामेंट्स हैं ये एक्सटेंशंस के नीचे प्रेजेंट होते हैं सो दीज आर माइक्रो फिलामेंट्स और ये वाले बीच में सॉरी हमारे जो मेम्ब्रेन से कनेक्टेड फिलामेंट्स हैं दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इस तरीके से इंटरमीडिएट फिलाेंट मैंने उसे आई एम लिखा है जस्ट टू जस्ट इन एन एबिटेड फॉर्म आई एम फिलाेंट तो यहाँ पर जो होंगे दैट विल बी इंटरमीडिएट फिलाेंट बीच में जो होंगे सेंटर में होंगे दैट वी माइक्रो ट्रिब्यूल ये माइक्रो ट्रिब्यूल इट इज ट्रिब्यूल टी यू बी यू एल ई और यहाँ पे जो होंगे एक्सटेंशन के नीचे नीचे जो होंगे दैट वड बी माइक्रो फिलाेंट राइट right? तो इस तरीके से इन तीनों फिलामेंट्स की पोजीशन है बाकी के सेल ऑर्गन फिलहाल आप इग्नोर करिए क्योंकि हम साइटोस्केलेटन पढ़ रहे हैं तो हम बस इतना देखना चाहते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक देखिए बीच में देखिए और उसके बाद स्प्रेडिड देखिए इस तरीके से तीनों फिलामेंट्स की पोजिशन है चलिए बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बारे में डी रॉबर्टिज और फैंकी ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था और मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में इन्हें देखा था मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का मतलब होता है जिनके पास माइलिन शीत प्रेजेंट है तो ऐसे फिलामेंट्स सॉरी ऐसे न्यूरॉन्स जिनके पास माइलिन शीत का इंसुलेशन प्रेजेंट है उन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं और जिनके पास माइलिन शीत नहीं है बच्चों उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं राइट right? तो माइलिनेटेड मेडुलेटेड न्यूरॉन्स के अंदर मिला था विच हैव मेडुलरी शीत और विच हैव माइलिन शीत एम सो सॉरी ये माइलिन शीत के बाद हमारे जो न्यूरॉन्स हैं सॉरी हमारे जो फिलामेंट्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स पे हम जाएँ तो अगर इनके अंदर प्रोटीन का कॉम्पोजिशन देखा जाए क्योंकि हमने पहले ही बात की दैट दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन सो दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हे वन इज़ अल्फा टिब्युल द कैटेगरी इज वन ओनली अल्फा ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं एंड अनदर इज बीटा ट्यूबुलिन एक तरीके से ये डायमर के फॉर्म में है तो एक अल्फा ट्यूबुलिन होगा ऑल्टरनेटिवली बीटा होगा फिर अल्फा होगा फिर बीटा होगा ऐसे टोटल तेरह फिलामेंट्स बनेंगे और उन तेरह फिलामेंट्स का ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं तो मैं अगर उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं ऊपर से कट करके अगर आपको दिखाऊं तो देखिएगा जरा कैसे दिखाई देगा ये मैंने तेरह फिलामेंट्स बनाए हैं थर्टीन फिलामेंट्स इस तरीके से राइट इन तेरह फिलामेंट्स में से एक अल्फ़ा है एक बीटा है तो मैंने ये ऑल्टरनेटिवली सपोज़ ये अल्फ़ा है बीटा अल्फ़ा बीटा इस तरीके से हम इन्हें शेड कर सकते हैं और ये ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई देगा राइट क्योंकि ऑड फिगर है तो यहाँ पे दो पास पास में आपको दिखाई देंगे किसी एक जगह पे इन फिलामेंट्स की ऐसी पूरी रेंज है बच्चों है ना मतलब ऊपर से नीचे तक ये सारे फिलामेंट्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये पूरा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा है ना यहाँ से ऐसा पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेटिवली अल्फ़ा और बीटा प्रेजेंट होंगे मतलब अब अगर इनकेस मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक एक रो में कंप्लीट करके बताती हूँ आपको तो इट विल बी क्लियर टू यू सपोज ये अल्फा है यहाँ पे ये एक बीटा है फिर अल्फा फिर बीटा यहाँ पे अगर दिस इज बीटा तो दिस इज अल्फा अगेन यहाँ पे ऐसा होगा और फिर इसके नीचे मतलब देयर विल बी ऑल्टरनेटिव अल्फाइन बीटा कॉम्बिनेशन रिमेंबर दैट यहाँ से हमने शुरू नहीं किया इसलिए वो थोड़ा सा आपको ऑल्टरनेटिव uh, फॉर्म में कम दिखाई दे रहा होगा बट एवरी टाइम वेन एवर यू ड्रॉ देम दे आर ऑल्टरनेटिवली अल्फा एंड बीटा इस तरीके से आई बात समझ में अब अगर आप ऊपर से नीचे तक एक लाइन देखें सपोज ये एक पूरी रो है ना यहाँ पे एक पूरी रो यहाँ पे एक पूरी रो इसे हम बोलते हैं लैटरल प्रोटोफिलामेंट इस रो को इस कंप्लीट रो को बोला जाता है लैटरल प्रोटोफिलामेंट और ओवरऑल जब आप देखेंगे तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 13 फिलामेंट्स टुगेदर ये एन में थोड़ा सा कम एक्सप्लेन है तो इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए सिस्टमेटिकली नहीं लिखा हुआ है ऐसे होते होते 13 यूनिट्स हैं एक बार फिर समझिएगा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा ऐसे थर्टीन एलिमेंट्स हैं राइट उसी तरह अल्फा बीटा अल्फा बीटा मतलब आप ऊपर से चलेंगे अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा इस तरीके से तो ये पूरा जो लंबा सा फिलामेंट बनेगा इसे हम लैटरल प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं राइट तो ये पूरी जो असेंबली है दिस इज व्हाट इज माइक्रोटिब्यूल और इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन विच आर अल्फा एंड बीटा टिब्यूल्स तो स्ट्रक्चर ओवरऑल जो आपके सामने आएगा माइक्रोटिब्यूल का वो कुछ इस तरीके से है ये माइक्रोटिब्यूल आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा तो आपको फ्लैजिला सीलिया फ्लैजिला सेंट्रियोल्स में मिलेगा क्योंकि हमें क्रोमोजोम्स को अलग अलग मूव करवाना है ये सेंट्रियोल्स में मिलेगा बेसल बॉडी बेसल बॉडी इज प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला एट द बेस ऑफ सीलिया एंड flagella, यू हैव सर्टन बॉडीज सर्टन स्ट्रक्चर्स बेटा जिन्हें हम बेसल बॉडीज़ बोलते हैं तो ये कहाँ मिलेंगे आपको बेसल बॉडीज़ में एस्ट्रल फाइबर्स ये हमारे दो centriole का ग्रुप सेंट्रोजोम और इनके पीछे जो रेज हैं इन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज राइट ये जो पीछे की तरफ रेज हैं इन्हें आप बोलेंगे एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स दो सेंट्रियोल्स के बीच में जो फाइबर्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स तो एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स इनको बनाने के लिए ये मददगार होंगे अब आपको याद आ गया होगा हमने ऐसा क्यों बोला था दैट दे आर प्रेजेंट इन यू कैर एज वेल एज प्रो कैरियोट्स बोथ देखिए सीलिया फ्लैजिला 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 किस में होगा यू कैरियोटिक सेल में तो होता ही है स्पर्म का फ्लैजिला होता है है ना विच इज द टेल ऑफ स्पर्म सीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं फिलोपियन ट्यूब में बैक्टीरिया में सीलिया फ्लैजला दोनों होते हैं राइट तो हो गया ये प्रोकेरेट में भी एस्ट्रल रे स्पिंडल फाइबर्स ये सब कुछ चीज़ें जो हैं ये सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देना शुरू होंगी तो सेल डिवीजन के टाइम पे एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स विजुअलाइज होंगी और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है यू केट्स का क्योंकि यू केरिया में सेल डिवीजन होता है माइटोसिस और माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसमें हमें क्रोमोजोम्स को अलग अलग पोजिशंस देनी होती हैं उन्हें अलाइन करना होता है एट डिफरेंट एंगल्स और वो डिफरेंट एंगल्स के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों स्पिंडल रेज या स्पिंडल फाइबर्स और ये स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाएगा माइक्रो टिब्यूल्स तो इस तरीके से इनकी लोकेशन है अलग अलग लोकेशन है एंड इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स सेल का शेप सेल का मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ बना के रखेगा फीडिंग uh, में मदद करेगा मतलब सीलिया फ्लैजेला बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में खाना अब्जॉर्ब करने के लिए राधा खाना इनटेक करने के लिए यूज़ होते हैं इसलिए हमने यहाँ लिखा है फीडिंग फीडिंग का मतलब फूड इनटेक सेल डिविजन के टाइम पर यूज़ होगा एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोटिब्यूल जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया

पार्ट जो है हमारे पास दैट इज माइक्रोफिलामेंट विच वॉज डिस्कवर्ड बाय पेल्विस ये पेल्विस ने माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हमें 1974 में बताया था एंड दे आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल बेटा ठीक है ये कॉन्ट्रैक्टाइल है मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस कर सकते हैं इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन है जो बहुत अबंडेंट होता है एंड दैट इज एक्टिन प्रोटीन ये अबंडेंट प्रोटीन है इनके अंदर और इसीलिए ये सिर्फ यू कैरियोटिक साइटोप्लाजम में ही मिलेगा क्योंकि ये प्रोटीन हमारा है हमारी मसल्स में होता है राइट right? तो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हमें एक्टिन प्रोटीन्स की मदद लेनी होती है और ये एक्टिन प्रोटीन्स किसका कैटेगरी है या क्या फॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में तो दे फॉर्म माइक्रोफिलामेंट्स राइट तो माइक्रोफिलामेंट लॉन्ग नैरो नैरोड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर हैं माइक्रोविलाय के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये माइक्रोविलाय आर बेसिकली द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से और इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा माइक्रोफिलामेंट इस तरीके से ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होकर ये मेम्ब्रेन को शेप दे रहा है मतलब उसे स्ट्रेंथ दे रहा है सो इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन राइट बट दे आर टोटली एब्सेंट इन प्रोकेरियोड्स तो लोकेशन आप याद रखेंगे दे आर प्रेजेंट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। नोटिस करेंगे तो ये कुछ ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर्स, ऐसे लॉन्ग हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जैसे हमारा डीएनए हम बताते हैं ना इट इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कुछ उसी तरीके से हमारे माइक्रोफ़िलामेंट हैं। एक तो लंबे लंबे धागे जैसे हैं प्लस हल्के से कॉइल्ड है कॉइल मतलब आप यू कहिए हल्का सा उनमें कवे कर्व है दैट मीन्स दे शो अ लिटिल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा हमारा डी एन ए हेलिकल स्ट्रक्चर होता है सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दे हैव दैट इज एक्टिन अगर माइक्रोफिलामिन के एग्जैक्ट फंक्शन की मैं बात करूँ तो जैसे आपका अमीबा है नॉट um, अमीबा हमारे जो मसल सेल्स हैं मसल सेल्स के अंदर अस टॉक अबाउट मसल सेल्स फर्स्ट हमारे मसल सेल्स के अंदर ये एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है एक्टिन और मायोसिन का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू करती हैं तो बेसिकली अगर हमारी मसल्स के अंदर हम बात करें तो दिस इज़ हेल्पिंग इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और उसी तरह ये सेल का शेप भी चेंज कर देगा एंडोस्केलेटन का फॉर्म है तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर सेल अमीबा है इसके अंदर ये माइक्रो फिलामेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे हमारी मसल्स के अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होंगे अमीबा के अंदर ये स्यूडोपोडिया बनाने का काम करेंगे राइट स्यूडोपोडिया एक टेम्प्ररी फॉर्मेशन है जो कि मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन है मेम्ब्रेन से बना हुआ है सूडोपोडिया और इस सुडोपोडिया की मदद से अमीबा क्या कर सकता है लोकोमोट कर सकता है अमीबॉइड मूवमेंट शो कर सकता है सो दिस इज देय फॉर प्रेजेंट इन अमीबा अमीबा इज अ अलर यूरियो रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ प्रोकैरियोट ये डायरेक्टेड मूवमेंट्स मतलब हमारे सेल के सेल ऑर्गेनल्स या सेल के मूवमेंट क्योंकि सेल को अंदर से प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए इट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग मूवमेंट टू द सेल सेल का शेप टेम्प्री चेंज करने में मदद करेगा लुक एट दिस डाइग्राम ये एक्टिन की सब यूनिट्स हैं और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है स्लाइडली हेलिकल इन नेचर लंबे लंबे फिलाेंट्स हैं थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर हैं विच आर स्लाइडली हेलिकल इन नेचर नेक्स्ट लेट एस टॉक अबाउट इंटरमीडिएट फिलाामेंट्स जो कि uh, किसी भी सेल को अंदर से सपोर्ट देते हैं तो अगर मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करूँ कॉमन एक एग्जाम्पल तो जैसे सपोज ये हमारा न्यूक्लियस हो गया इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को अंदर से सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि एसस तो यहाँ कोई बोन नहीं है कोई स्ट्रक्चर नहीं है कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट कौन दे तो ये सपोर्ट यहाँ पे फिलामेंट्स की मदद से दिया जाता है यहाँ पे कुछ प्रेजेंट फिलामेंट्स है विच आर कॉल्ड लैस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स न्यूक्लियस को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा सिंस दे आर सपोर्टिंग द न्यूक्लियस न्यूक्लियस सिर्फ यू में होता है प्रो में तो होता ही नहीं है तो इसीलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है एंड नॉट फॉर एनी प्रो कैरियोटिक सेल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है दैट विल हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस है ना थ्रू द न्यूक्लियर पोर ऑब्वियसली न्यूक्लियर पोर की मदद से एक्सचेंज होता है लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा बहुत भी चेंज होना है या अंदर से उसे एक कुशन की जरूरत है तो वो कुशन कौन देगा इंटरमीडिएट फिलामेंट दे आर मेड अप ऑफ लेमन्स राइट इन्हें याद रखिएगा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट एक स्पेशल प्रोटीन से बने हैं विच इज विच आर लेम्स ये यू कैरिक साइटोप्लाजम को सपोर्ट करते हैं साइटोप्लाजम को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे सेल ऑर्गन को पीछे से बेस प्रोवाइड करके

कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज करके चीजों को अंदर और बाहर आने जाने देती है, वैसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं करती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ पोर्स की मदद से चीजों को लाने ले जाने देती है वेरी टफ एंड वेरी सॉलिड टाइप ऑफ प्रोटीन सो दिस प्रोवाइड साइटोस्केलेटन टू द सेल थोड़ा बहुत कंट्रैक्शन में मदद करेगा अदरवाइज एज सच इट इज़ नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन कंट्रैक्शन क्योंकि माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंस ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट हैं हमारा सेल इस तरीके से बहुत अपने आप को शेप उसका जो है वो मेनटेन करके रख पाता है अदरवाइज़ क्या होगा अगर ये फिलामेंट्स अंदर से सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके सेल ऑर्गेनल्स कहीं भी मूव करेंगे सेल के अंदर टकराएंगे आपके सेल की मेम्ब्रेन चेंज होती रहेगी और वंस इट इज़ चेंज तो उसकी जो री है वो ख़त्म हो जाएगी तो वो ख़त्म न हो और उसे अंदर से भी एक सपोर्ट मिले इसके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है साइटोस्केलेटन राइट तो वी विल टॉक अबाउट अनदर सेल ऑगनल दैट इज सेंट्रोजोम इन द नेक्स्ट स्लाइड कि सेंट्रोजोम्स जो हैं वो कैसे सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं राइट तो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स